इस लॉकडाउन में लगभग सभी मजदूरों, सभी प्रवासी की एक सी ही कहानी है। निकल पड़े हैं अपने सर पे झोला उठाए, भूख प्यास को दबाए हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए ये मजदूर, ये प्रवासी कामगार जो शहरों में कभी गांव से आए हुए ये मजदूर शहर बनाने का काम किया करते थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बेबस लाचार माँ अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रॉली बैग पे रख के उसे बिना कोई कष्ट दिए हुए अपने घर अपने गांव जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आँखों से आंसू बहते हैं, जुबान से शब्द नहीं निकलते हैं। आखिर कभी भी ये अपने गांव छोड़ के आए थे शहरों में एक बेहतर ज़िंदगी बसर करने को, लेकिन शहरों ने इन्हें वो धोखा दे दिया कि दोबारा इनको अपना गांव ही याद आया। पंछी अपने घर वापस लौट रहा है, कभी नहीं आने की सोच रहा है। ऐसी कब तक चलेगी ज़िंदगी, वो इस खुदा से यही पूछ रहा है। सरकार को चाहिए कि वो मदद करे, ज़मीनी स्तर पे करे। अब तो डर लगता है इन प्रवासी मजदूरों के बारे में सोच के कि शहरों से इनका ऐसा मोह भंग हुआ है कि शहर इनको यदि दोबारा भी अपनी बाहें पसारे बुलाएंगे तो क्या ये मजदूर, ये कामगार वापस आएंगे? ये प्रश्न है सभी शहरवासियों।